हेलो फ्रेंड्स सर, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अमृत। तो चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ पर मोमेंटम कर सकता है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को आप लोग कैसे ट्रेड करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा। फ्रेंड्स, लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली थी। लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर बायर्स ने कहीं से 17,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, यही कहीं से मार्केट को पुल अप करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या बन जाती है कि मार्केट ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है। अगर हम लोग लेवल्स की बात करें तो मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास से कहीं पर एक फॉल गिर रहा था और यहीं कहीं से उसने एक रिट्रेसमेंट लिया। अब इस रिट्रेसमेंट के बाद से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, हम लोग उसको जाने देंगे, हम लोग उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। लेकिन कल अगर सपोज कर लीजिए इस इनसाइड कैंडल का अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन होता है, तो फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं एक अच्छे टारगेट के लिए। कल मार्केट 17,000 लेवल्स को दोबारा से एक बार रिट्रेस करने के लिए आ सकता है और फ्लो में निकल सकता है मार्केट कल सेलिंग के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट में हम लोग को ट्रेड को कैसे प्लान करना है कल के लिए। यहाँ पे देखने वाली बात क्या बन जाती है ट्रेडर्स, यहाँ पे एक स्विंग है। इसी स्विंग के नीचे अगर लेट्स से कल अज्यूम कर लीजिए मार्केट क्रॉस करता है, एक 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग देता है, तो हम लोग इमीडिएटली इसको शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा जो अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए डे एंड तक का 17,000 लेवल्स के आसपास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जो बाइंग हैपनिंग हुई है इन लेवल्स के आसपास कहीं से हुई है, तो 17,030-40 के आसपास अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ आप लोग कर सकते हैं। जो ऑप्शन बायर्स हैं वो 12:30 बजे के बाद एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक मार्केट इस लेवल को एक बार रिस्पेक्ट करता है तब तक थोड़ा सा मोमेंटम आना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा इमीडिएट 100 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं ट्रेडर्स, कल अगर मार्केट खुल जाता है गैप अप, उस केस में हमें क्या करना है। लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं मार्केट कल खुलता है इन्हीं लेवल्स के आसपास में, तो फिर हम यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, हम बाइंग तभी करेंगे इसमें जब पर्टिकुलरली 17,400 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिलेगी एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल। और लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट कल खुल जाता है गैप डाउन, उस पर्टिकुलर केस में लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं 17,200 से थोड़ा सा नीचे खुल जाता है, एक कैंडल यहाँ पे जाकर के रीटेस्ट कर सकता है अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो उसने स्विंग बनाई हुई है उसको टेस्ट कर सकता है, फिर ये यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है और नीचे के साइड निकल सकता है। लेट्स अज्यूम कर लेते हैं ट्रेडर्स पैनिक का भी सिनेरियो कहाँ पे बनेगा। जो लोग ऑलरेडी 17,600 के आसपास सेल करके गए हुए हैं उनको एक अच्छा प्रॉफिट अभी दिख रहा है। आज मार्केट गैप डाउन खुला और फ्लो में निकलते गया धीरे धीरे करके नीचे, तो अभी उनको एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। कल वो लोग कहाँ पे डरेंगे, अगर लेट्स अज्यूम कर लेते हैं 17,600 के आसपास कहीं पे मार्केट खुल जाता है और यहाँ पे फिर क्रॉस कर देता है अगर 12:30 बजे के बाद से, या फिर अगर सपोज कर लीजिए कि 1 घंटे के अंदर इसमें क्रॉस कर देता है, तो फिर यहाँ पे जितने लोग सेल करके गए वो अचानक से पैनिक कर जाएंगे और फिर यहाँ से एक मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर सेलिंग साइड में हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम कब आ सकता है, अभी फ्लो में सबको धीरे धीरे पैसा मिल रहा है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मोमेंटम अभी सेलिंग साइड में तेजी से नहीं आएगा। कल के डेट में स्लो एंड स्टडी मोमेंटम आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो अल्टीमेट टारगेट है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। आई होप प्राइस सेक्शन के ऊपर मैंने जो अभी पॉइंट्स आपको बताए वो आपको समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।